हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और मैं हूं आपका दोस्त जसबीर सिंह सलूजा, लेके आया हूं एक और शानदार वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसका इंतजार शायद हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत टाइम से कर रहे थे। जी हाँ, आज होने वाली है एक बाइक रीस्टोर, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और नई और मज़ेदार बात यह है कि ये जो बाइक रीस्टोर होने जा रही है, ये अपनी खुद की शॉप पर होने वाली है। मयूर भाई करने वाले हैं इस बाइक का पूरा काम, कलर वगैरह सारी चीज़ें जो नहीं डलनी है सो नहीं डलेंगी, और पूरी बाइक ओके करनी है, कुल मिला के शोरूम कंडीशन करके देनी है। तो चलिए पहले आपको बाइक दिखा देते हैं कि बाइक की फ़िलहाल कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज़ें टूटी हुई हैं, किन किन चीज़ों पर काम होना है, किन चीज़ों का कलर होना है और क्या क्या नया डलना है। एक बेसिक सी जानकारी आपको बाइक की अभी दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये वो बाइक है जो रीस्टोर होनी है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें टूटी हुई हैं, नई डलेंगी, बहुत सारी चीज़ें कलर होंगी, फुल सर्विसिंग होगी, छोटी मोटे बड़े जितने भी इश्यूज हैं बाइक के वो सारे क्लियर होंगे। जैसे इंडिकेटर वगैरह हो गए, हेडलाइट हो गया, चाबी स्विच वगैरह सारा इसका नया डलने वाला है, फोटरेस्ट सब नए डलेंगे, पैनल जो टूटी हुई हैं वो बदल जाएंगी, ये पैनल बदलेगी, आगे का मडगार्ड बदलेगा, मास्क भी पूरा टूटा हुआ है ये भी बदलेगा, टंकी जो है वो रिपेंट होने वाली है, यहाँ से इसमें एक डेंट है दबा हुआ है, ये पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद में शायद इसमें पानी वगैरह भी जाता होगा, इसलिए बड़े भाई ने यहाँ पर पन्नी वगैरह बांध रखी है। ये सारी प्रॉब्लम्स बाइक की जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। बैटरी इसमें नई डलने वाली है और आगे का टायर भी डलेगा बाइक में, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बाइक खुलती जाएगी और आप लोगों को पता चलता जाएगा। हालाँकि इंजन वगैरह के अंदर कोई काम नहीं है इस बाइक में, पर इंडिकेटर, फुटरेस्ट, लेग गार्ड, टंकी पैनल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली वायरिंग, जैसे वायरिंग बहुत डिस्टर्ब है, कटी फटी हुई है और डिस्टर्ब भी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें ठीक होनी है। तो अभी इस बाइक का काम शुरू होने वाला है, सारी बाइक जो खुलेगी। तो मयूर भाई तो बाइक पहले बना चुके हैं, पर अपनी दुकान पर जो बाइक पहली बार आई है रजिस्टर होने के लिए पर्सनली अपनी दुकान पर, तो चलिए बातें करते हैं कम और काम करते हैं शुरू, लेट्स गो बिना देर करे। तो हो चुके हैं बाइक के अस्थि पंजर अलग, यहाँ पर पड़ा है टंकी, सीट, काउल वगैरह, और वहाँ पर मास्क, मडगार्ड, और यहाँ खड़ी है बची हुई बाइक, और बाकी जो बचा हुआ सामान है जो बाहर से आप बाइक का देखते हैं उसकी छटनी होगी, क्या सामान नया डालना है, क्या सामान कलर होना है, वो सारा सामान छटनी होगी। हालांकि इस बाइक में कंडीशन 60-40 वाली दिख रही है, मतलब करीब 60% सामान जो है वो पुराना काम आएगा और 40% नया डालना पड़ेगा। तो इससे होगा ये कि बाइक का जो बजट है रीस्टोर का वो थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, जो भी होना है इसी वीडियो के अंदर होना है, आप लोगों के सामने होना है। कोशिश अपनी ये रहेगी कि बिल्कुल भी एक भी रुपया नाजायज़ ना खर्च हो, जिससे जो हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने बाइक हमें रीस्टोर करने के लिए दी है उनको ऐसा ना लगे कि यार बाइक रीस्टोर करा के कोई गलती कर ली। तो दोस्तों, पूरी तरह से गाड़ी बिखरना शायद इसी को बोला जाता है। एक एक पार्ट्स अलग, इंजन यहाँ पड़ा है, चेचिस वहाँ पड़ा है, और पूरे पार्ट्स खुल चुके हैं बाइक के। तो दोस्तों, आज के दिन का काम बस इतना ही था, बाइक को पूरी तरह से खोल के अलग अलग कर दिया है। अब तीन हिस्सों में सारे पार्ट्स को बांटेंगे, एक वो जो पूरी तरह से ख़राब है उन्हें हटा देंगे, उनकी जगह नए पार्ट्स ऑर्डर किए जाएंगे, एक वो जो कलर होने हैं तो उनको पैकिंग करके कलर जहाँ जहाँ होने हैं, दो तीन अलग अलग जगहों पर होगा, चेचिस और इंजन यहीं पर होगा, और जो मेन पार्ट्स बॉडी पार्ट्स हैं वो इंदौर जाएंगे कलर होने के लिए, और तीसरा वो हिस्सा है जो एज इट इज़ वापस लगने वाला है, ऐसे ही जैसा है वैसा साफ सुफ होके वापस लग जाएगा। वायरिंग लूम नई मंगानी है इसकी, और बहुत सारे पार्ट्स नए बिल्कुल फ्रेश डलने वाले हैं इसमें। तो आज के बाद अब ये वीडियो डायरेक्ट जंप करने वाला है उस दिन पर जिस दिन ये सारी चीज़ें कलर होकर हमारे पास वापस आ जाएंगी। तो आपको विद इन 1 सेकेंड दिखाते हैं कलर होने के बाद पार्ट्स की कंडीशन। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। एक ही वीडियो में दूसरी बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये करीब 8 दिन बाद का है।
सभी जगह पर जो सामान गया था, नया आना था, ऑर्डर हो गया था, सब हो गया था, सारा कुछ आ चुका है और आज बाइक का काम शुरू हो रहा है कंप्लीट करने का, मतलब वापस फिट करने का। पहले बिखेर दी थी, अब फिट करेंगे। मयूर भाई ही फिट करने वाले हैं। बाइक लग चुकी है जहाँ उसका काम होना है वहाँ। तो चलिए आपको सारा सामान जो है वो अभी पैक है, कुछ खुल रहा है बता देते हैं, और फिर बाइक का काम हो रहा है वो भी आप ही के सामने होना है। चलिए, तो वो जो पैकेट है वो भी बाइक का सामान है, न्यू जो आया है वो। ये कुछ सामान जो लोकल में ही कलर हुआ है वो मयूर भैया छाट रहे हैं कि शुरुआत में पहले क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये झूला है बाइक का, देसी भाषा में जैसे झूला बोला जाता है। और वो रही बाइक, अभी मेन स्टैंड और ब्रेक पैडल इंस्टॉल कर दिया है सरफराज ने। तो सरफराज भाई और मयूर भाई, तो दोनों भाई मिल के करने वाले हैं काम बाइक का। एक से दो दिन का टाइम लग जाएगा इस बाइक को कंप्लीट होने में, पर आप लोग ये सब कुछ शायद अगले 5 से 6 मिनट में ही देख लेंगे। तो जो भी होना है इसी वीडियो में होना है, तो डोंट स्किप द वीडियो दोस्तों, पूरी डिटेलिंग वीडियो रहेगी। एंड में पूरा खर्चा भी बताऊँगा, नई चीज़ें पुरानी चीज़ें सब मिला जुला के बाइक को पूरा नया बनाना है हम लोगों को। और विजय भिंडे भाई जो हमारे बड़े भाई जो इस बाइक के मालिक हैं, उनका एक बार इस वीडियो में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस बाइक को रीस्टोर करवाने के लिए अपनी शॉप को सही समझा, ये काम अपने को दिया। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको सिनेमैटिक्स बाइक के पसंद आए होंगे। बाइक हो चुकी है कंप्लीट। चलिए आप लोगों को बाइक एक बार चारों तरफ से दिखा देते हैं और ऊपर से जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या बाइक में नया लगा है और क्या क्या बाइक में पुराना रिपेंट होकर ओके करके लगा दिया गया है। लेट्स गो। तो दोस्तों ये बाइक है और यकीनन बिल्कुल न्यू बाइक लग रही है। तो चलिए आपको एक ऊपर से अंदाज़ा बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें नई लगी हैं और क्या क्या पुरानी है। आपको कोशिश करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो। सबसे पहले ये टंकी रिपेंट है,
और ये पैनल नया है। तो दोस्तों हमारे रजिस्टर में देखने वाली बात यह है कि ये नया पैनल और ये पुरानी टंकी पेंट की हुई दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इस टंकी को नया बोल के भी दिया जा सकता था पर ऐसा कुछ करते नहीं हैं अपन। फेयरिंग बाइक का नया लगा हुआ है, सेल बूम डूम पूरा नया है, इंडिकेटर नए हैं, मडगार्ड नए हैं, इसके बाद में मैकविल रिपेंट हुआ है। हाँ, एक मैकविल बेंट था उसको रिपेयर किया है हम लोगों ने, शॉकअप वगैरह की पूरी सर्विसिंग कर दी है। लेग गार्ड यहाँ पर न्यू लगा हुआ है, इंजन पूरा रिपेंट हुआ है, सेल्फ इंजन सारी चीज़ें, जो साइलेंसर है ये साइलेंसर कवर नया लगा हुआ है, पैनल यहाँ पर नए हैं, ब्रेक पेडल ठीक था पर पूरे तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, ठीक नहीं हो पा रहा था तो ये नया लगा दिया है हम लोगों ने। शॉकअप पूरी तरह से ख़त्म थे इस बाइक के तो नए लगा दिए हैं। और ये कड़ा, इसे आप देखिए दोस्तों, इसकी पेंट की क्वालिटी देखिए, ये नया नहीं है, जी हाँ ये पुराना है। टेल लाइट न्यू लगी हुई है, मडगार्ड वगैरह इसमें पुराना ही लगा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैकवेल और ये जितना भी नीचे मैकेनिज्म लगा है ब्रेकिंग का, ये सब पुराना है, पूरी तरह से रिपेंट किया हुआ है। पेंट की क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, उतना ही नहीं जो क्रोम के पार्ट्स थे वो भी यहाँ पर ओके किए गए हैं। जैसे कि ये पेडल जो है ये नया है, पर ये साड़ी गार्ड जाली आप देख रहे हैं ये पुरानी है, पर नए पुराने में फ़र्क नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरह से इस तरफ का पैनल जो है वो नया है, टंकी रिपेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, काउल रिपेंट है, काउल रिपेंट है आप देखिए। और ये जो पैनल है नहीं है, दोनों में अंतर निकालना आपको मुश्किल पड़ेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी का पेंट यहाँ पर किया गया है। थोड़ा आगे आते हैं दोस्तों, साइड ग्लास रियर व्यू मिरर नए लगे हैं बाइक में, की लॉक पूरा जो सेट है पूरा नया लगा है बाइक में, मीटर बंद था रिपेयर कर दिया गया है इसे और ओके है, पूरी तरह से वर्क कर रहा है। स्विचेस वगैरह यहाँ पर नए लगाए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो नई पुरानी मिली हुई हैं, पर पूरी बाइक में ओवरऑल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको कि क्या नया है और क्या पुराना है। तो दोस्तों ये जो रीस्टोर आपने देखा ये था क्वालिटी रीस्टोर, मतलब दो तरह के रीस्टोर होते हैं दोस्तों, एक होता है बजट रीस्टोर और एक होता है क्वालिटी रीस्टोर। बजट रीस्टोर में ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो हमें बता देते हैं अपना बजट कि भैया मुझे 8,000 में रीस्टोर करनी है, मुझे 10,000 में रीस्टोर करनी है, होगी या नहीं होगी और होगी तो कैसी होगी बता दीजिए, सॉरी फॉर द नॉइज़, मेन रोड की शॉप है अपनी। और एक होता है क्वालिटी रीस्टोर जिसमें कस्टमर हमें फ्री हैंड कर देता है कि भाई आपको जो लगे वो खर्च करो पर बाइक बननी चाहिए अच्छी। तो हमारे जो बड़े भाई हैं विजय भिंडे भाई, इन्होंने हमें बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया था कि सर अगर आप अपनी बाइक रीस्टोर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उस तरीके से काम करिए। तो थैंक यू सो मच विजय भाई, हमारे बड़े भाई जिन्होंने भरोसा करा हम पर इस बाइक को बनाने के लिए और पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों का तो हिसाब बता नहीं पाऊँगा, बाइक में जो ओवरऑल बिल बना है वो बना है करीब 23-24 हज़ार रुपये का। कई लोग बोलेंगे कि यार इतनी तो बाइक की कीमत थी, पर अगर नई बाइक लेने के मुकाबले आप रीस्टोर की तरफ जाते हैं तो आपको ये बहुत सस्ता लगेगा। एक बार फिर बता दूँ, रीस्टोर तो 10,000 में भी हो जाता पर क्वालिटी रीस्टोर का रेट यही है दोस्तों। और भी एक कारण है बहुत ज़्यादा पैसा लगने का कि इस बाइक में बहुत सारा सामान नया डला है। ओवरऑल बाइक की हालत बहुत बुरी थी, इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखी होगी। तो दोस्तों ये जो अभी आपने पूरा वीडियो देखा, ये वीडियो करीब 10 से 12 दिन के कामों का था, मतलब पहले बाइक खुली, फिर इंदौर सामान गया, जो यहाँ पर कलर होना था यहाँ पर कलर हुआ, जो सुधारने का था उसको बैठ के सुधारा हमारे मयूर भाई ने, अभी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इस वीडियो के एंडिंग में उनका होना ज़रूरी था। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि विजय भैया खुद नहीं आ पाए हैं बाइक को लेने, क्योंकि कुछ काम है उनको पर्सनल, उनकी जॉब के परिवार के तो समय नहीं है। एक्चुअली वो बड़वानी में नहीं रहते हैं, वो अलीराजपुर के आगे रहते हैं, इस कारण से उन्होंने रावत जी को भेजा है, बड़े भाई को हमारे, कि भैया आप जाके बाइक ले आओ। हालांकि भैया ने जो बाइक है वो फोटोज़ में वीडियोज़ में देख ली है और बहुत ही संतुष्ट हुए हैं। तो बाद में कभी उनका एक रिव्यू वीडियो मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगा कि भाई जो बाइक हमने बनाई है वो किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने जो पैसा लगाया है वो वसूल हो पा रहा है या वेस्ट हो गया है। जो भी जानकारी होगी जिनाइन हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो इसी तरह के रीस्टोर के वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। बाकी इस वीडियो में मयूर भाई का थैंक्स है, विजय भिंडे भाई का, हमारे बड़े भाई का थैंक्स है कि उन्होंने हमको बाइक रीस्टोर करने के लिए लायक समझा कि जस्सी सर से बाइक रीस्टोर करवानी है। और भी रीस्टोर के वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा।